हे गाइज, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को पूरे तरीके से उसमें सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। थे गाइज, जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े होंगे उनको आप लोग आज की क्लास के सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग जुड़ गए होंगे उनको हमारी तरफ से धन्यवाद। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, पुटअप कर लेते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से पहले क्लास के सेशन को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। आपका प्रश्नावली 2.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जाँच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। फिर से एक बार, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है। पहला बहुपद है उसमें दूसरे बहुपद से भाग देंगे और जांच करेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं रहेगा। मैंने क्या बताया गाइज, मैंने आपको बताया ना कि अगर शेषफल 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दूसरे नंबर का पहला, तो ये जो टी स्क्वायर माइनस 3 है, टी स्क्वायर कितना है माइनस 3, फिर कामा है, फिर कितना है 2t घाते 4 है, फिर 3t घाते 3 है, फिर कितना है माइनस 2t स्क्वायर है, फिर कितना है माइनस 9t, फिर माइनस कितना है 12 है। आपको ये बताना, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये आपका पी एक्स है, ये आपका जी एक्स है, ये जी टी है। तो माना माना जी टी बराबर कितना है टी स्क्वायर माइनस 3 है, और जो पी टी बराबर है, पी टी बराबर कौन है 2t घाते 4 प्लस 3t घाते 3, फिर कितना है माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक, अब आपको बताना है कि जी टी पी टी का गुणनखंड है या नहीं है। अगर जी टी पी टी का गुणनखंड तब होगा जब रिमाइंडर आपके क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। रिमाइंडर जब 0 आएंगे तभी तो जी टी पी टी का गुणनखंड होगा ना। तो आइए भाग देते हैं, हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो क्या है पहला टी स्क्वायर माइनस 3 से किस में डिवाइड करना है, ये बड़े वाले लंबे चौड़े भाग 2t घाते 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस कितना हो गया 12। ठीक, अब आप देखिए मैंने क्या बताया कि इसका भाई पहला पद उठा लो, पहला पद कितना हो गया 2t घाते 4, इसका पहला पद कितना है टी स्क्वायर। अब ये दो ठो काट देंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ कितना बचा 2t स्क्वायर, कितनी बार लेके जाएंगे 2t स्क्वायर बार ले जाएंगे। ये बातें क्लियर हुई। अब जब आप इसकी बार ले जाएंगे, चलिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर टी स्क्वायर का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे टी घाते 4, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 3 6, तो ध्यान दीजिएगा 6t स्क्वायर आएगा। तो हम लोग इसके नीचे लिखेंगे कितना माइनस 6t स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ माइनस, ये चीज़ क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके ये चीज़ कैंसिल हो जाएंगे और ये चीज़ पूरा उतर आएगा यहाँ पर 3t का क्यूब। आगे 6 में से 2 घटा देंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4t स्क्वायर, आगे कितना है माइनस 9t माइनस 12। ठीक, अब कितनी बार, इसका पहला पद कितना है 3t क्यूब और इसका पहला पद कितना है टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बचेगा 3t, कितनी बार लेके जाएंगे 3t बार लेके जाएंगे, कितनी बार लेके जाएंगे 3t बार। चलिए 3 दूनी सॉरी यहाँ 2 कहाँ है 3 है ना, तो 3 और ये टी और 2 मिल के कितने हो गए टी घाते 3, फिर 3t का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 3t इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9t आएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 9t, ये माइनस ये आपके क्या हो गए प्लस, तो ये चीज़ कैंसिल, ये 9t और प्लस 9t कैंसिल हो गए, तो ये आप उतार लेंगे 4t स्क्वायर माइनस कितना 12।
अब देखिए इसका पहला पद कितना है फोर टी स्क्वायर, इसका पहला पद कितना है टी स्क्वायर, ये कैंसिल कितनी बार गया फोर बार, कितनी बार लेके जाएंगे फोर बार, तो फोर का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आया फोर टी स्क्वायर, और इस फोर का मल्टीप्लाई यहाँ किए तो चार तीन बारह, ये माइनस ये क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गए तो जो शेष फल आया वो आपका क्या आ गया जीरो, शेष फल क्या आ गया जीरो आ गया। तो जो शेष फल आपका जीरो आया, तो मैंने क्या बताया था सवाल स्टार्ट करने से पहले, मैंने बताया था गाइस याद कीजिए यदि आपके शेष फल जीरो आ जाते हैं तो ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, तो ये बातें यहाँ लिख देंगे, चूँकि शेष फल जीरो प्राप्त हुआ है अतः प्रथम बहुपद जीटी द्वितीय बहुपद पीटी का एक गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। तो इस प्रकार आपका ये जो पहला सवाल था दूसरे का वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ज़रूर ले सकते हैं, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करेंगे। चलिए दूसरा सवाल जो है आपका देख लेते हैं, दूसरा सवाल क्या है लिखते हैं जरा सा, दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर और प्लस तीन एक्स और प्लस वन, ये आपका पहला है, फिर उसके बाद कामा तीन एक्स घाती चार है, फिर कितना है प्लस पाँच एक्स क्यूब और माइनस कितना है सात एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस दो है। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी एक्स बराबर मानेंगे, जी एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, और जो पी एक्स है वो पी एक्स क्या है पी एक्स बराबर तीन एक्स घाते चार प्लस कितना है पाँच एक्स क्यूब माइनस सात एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस दो। अब क्या करेंगे हम इनमें भाग देंगे, तो आइए भाग देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस वन से किस में डिवाइड करेंगे इसमें, तो लिखते हैं तीन एक्स घाते चार प्लस पाँच एक्स क्यूब माइनस सात एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस दो से भाग देते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला पद उठाएंगे और पहले पद से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार लेके जाएंगे, देखिए तीन एक्स घाते चार है इसका एक्स स्क्वायर है ये कैंसिल करेगा तो कितनी बार तीन एक्स स्क्वायर बार, कितनी बार लेके जाएंगे तीन एक्स स्क्वायर बार, तो तीन एक्स स्क्वायर बार लेके जाएंगे। चलिए तो यहाँ गुणा करेंगे तो तीन एक्स घाते कितना आ जाएगा चार आएगा, और फिर इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा तीन त्रिक्का, देखिए तीन त्रिक्का कितने हो जाएंगे नौ, तो नौ एक्स क्यूब आ जाएंगे, कितना आ जाएगा नौ एक्स क्यूब, फिर इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस तीन एक्स स्क्वायर आ गया सही चल। ठीक, उसके बाद ये आपके माइनस, उसके बाद ये माइनस और ये आपके क्या हो गए माइनस। ठीक, अब ये पद कैंसिल हो गए, पाँच में से नौ घटा देंगे तो पाँच में से नौ घटाएंगे तो माइनस चार एक्स क्यूब, और माइनस सात और माइनस तीन जोड़ देंगे तो माइनस दस एक्स स्क्वायर, आगे के पद उतार लेते हैं प्लस टू एक्स प्लस टू। ठीक, अब आगे माइनस आया तो आप माइनस बार लेके जाएंगे, कितनी बार लेके जाएंगे देखिए एक्स क्यूब और ये, तो इसका पहला पद चार एक्स क्यूब है, फिर उसके बाद इसका पहला पद एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल कितनी बार चार एक्स बार, कितनी बार लेके जाएंगे चार एक्स बार, तो चार एक्स बार लेके जाएंगे। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस चार एक्स क्यूब आएगा, इसका माइनस का करेंगे तो चार तेइया बारह एक्स स्क्वायर तो माइनस बारह एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस चार एक्स आ जाएगा। ठीक, ये आपके प्लस, ये माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, अपोजिट हो जाते हैं, ये कैंसिल, दस में से बारह में से दस घटा देंगे कितना आ जाएगा दो एक्स स्क्वायर, चार में से दो घटा सॉरी चार और दो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा छः एक्स, आगे कितना है दो, इसका पहला पद कितना है दो एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल क्या बचा दो, कितनी बार लेके जाएंगे प्लस दो बार, तो दो का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा दो एक्स स्क्वायर, फिर दो का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे दो तिहाई छः एक्स, फिर दो का मल्टीप्लाई एक से करेंगे प्लस दो, तो अपोजिट चिन्ह हो जाएंगे सब, तो ये पद तीनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो शेष फल क्या आ गया आपका, शेष फल क्या आ गया जीरो, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि
शेषफल जीरो आया है, शून्य प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आगे तीसरे सवाल को कंटिन्यू करेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स प्लस एक क्या है। एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स प्लस कितना है, एक है। फिर आगे कितना है, एक्स घाते पाँच है। फिर कितना है, माइनस चार एक्स क्यूब है। फिर कितना है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक है। ठीक, यही आपका सवाल है। तो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, माना जी एक्स इक्वल टू कितना है, जी एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स प्लस वन है। ठीक, फिर पी एक्स इक्वल टू कितना है, पी एक्स इक्वल टू एक्स घाते पाँच माइनस चार एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस कितना है, एक है। ठीक, तो अब हम लोग पी एक्स में किससे भाग देंगे, जी एक्स से। तो जी एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स प्लस वन से किस में भाग देंगे हम लोग, पी एक्स में। तो पी एक्स कितना है, एक्स घाते पाँच माइनस चार एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक। ठीक, आप क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ एक्स घाते कितना है, तीन है, यहाँ एक्स घाते पाँच है, पहला पद उठाइए और एक्स घाते तीन, तो डिवाइड करेंगे, तीन ठो कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, एक्स घाते दो बार। कितनी बार ले जाएंगे, एक्स घाते दो बार। तो एक्स घाते दो बार लेके जाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, एक्स घाते पाँच आया। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस तीन एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक, कैंसिल, और ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे, और चार में से तीन घटा देंगे, माइनस चार में से तीन घटा देंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा प्लस तीन एक्स, और प्लस क्या होगा, वन। अब कितनी बार यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार। कैसे, इसका पहला पद एक्स क्यूब और इसका भी पहला पद एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो एक बार लेके गया ना, कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार। तो एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। फिर इसका करेंगे तो यहाँ प्लस तीन एक्स आ जाएगा। अगले का करेंगे तो यहाँ माइनस एक आ जाएगा। एक का मल्टीप्लाई यहाँ किए तो कितना हो जाएगा, माइनस एक। एक मिनट के लिए सवाल, ठीक, चलिए। तो क्या करते हैं, अब ये देखिए, ये माइनस है तो ये आपके प्लस हो गए, ये आपके माइनस, ये आपके क्या हो गए, प्लस। तो ये पद कैंसिल, ये पद कैंसिल, एक एक जोड़ दिए कितना आ गया, दो। तो यहाँ जो शेषफल आया वो क्या है, दो आया है। तो आपको एक बार ज़रूर इस सवाल को हम लोग आंसर मिला लेते हैं, इनका क्या आया एनसीईआरटी। तो आप देखिए यहाँ शेषफल क्या आया, आपका दो आया है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि शेषफल, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है। ठीक, इस प्रकार आपका ये जो तीसरा सवाल है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो हे गाइस, उम्मीद करते होंगे कि आज का लेक्चर, आज का वीडियो जो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डियर स्टूडेंट।